शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के विभिन्न संप्रत्ययों को जानने, समझने और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे सन 2005 में भारत में विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्धारण करने एवं उसके क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा प्रोफेसर यशपाल, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। यह दस्तावेज प्रोफेसर यशपाल द्वारा सन 1993 में प्रस्तुत रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के की रोशनी में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता के संदर्भ में तैयार किया गया था। सन 1993 में जब प्रोफेसर यशपाल ने शिक्षा बिना बोझ के की रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो यह आवश्यकता महसूस की गई कि भारत में विद्यालयी शिक्षा को समीचीन रास्ता दिखाने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए एक गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए, जिसके की लाइट में भारत में सारे विद्यालयों के जो पाठ्यक्रम हैं उनकी संरचना बनाई जा सके, उनका पाठ्यक्रम बनाया जा सके और एक रूपता लाई जा सके। इसी दस्तावेज के लाइट में, इसी दस्तावेज के प्रकाश में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा की गई। और जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा की गई, तब यह बात समझ में आई कि नहीं, हमारे देश को एक विशद विमर्श की जरूरत है पाठ्यचर्या पे। और इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विज़न तैयार हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आने से पहले भी बहुत सारे दस्तावेज हमारे देश में मौजूद थे। मूलतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें की थी। भारत में समय समय पर शिक्षा तंत्र को मजबूती देने के लिए और दुनिया भर में जो परिवर्तन हो रहे थे शिक्षा को लेकर के, शिक्षा के पाठ्यक्रमों को लेकर के, शिक्षा के तौर तरीकों को लेकर के जो परिवर्तन हो रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए शिक्षा के विद्वानों द्वारा विभिन्न रणनीतियों का सुझाव दिया गया। इन्हीं रणनीतियों में से एक रणनीति थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वह थी 10+2+3 शिक्षा संरचना की घोषणा की गई थी, जो कि आज भी हम देखते हैं। आज भी हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है वह 10+2+3 शिक्षा संरचना पर ही संचालित की जा रही है। इसे ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे कि NCERT भी कहते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ने 1975 में पहली बार 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या, जिसे अंग्रेजी में द करिकुलम फॉर द 10-ईयर स्कूल अ फ्रेमवर्क कहा जाता है, को तैयार किया गया। यह कार्यक्रम पूरी तरह से अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाया था कि उससे पहले ही 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई। जैसा कि हम देख रहे हैं ठीक तरीके से कि 1975 में NCERT ने एक दस्तावेज जारी किया और तुरंत उसके 11 साल बाद ही 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई, तो 1975 के दस्तावेज की महत्ता घट गई और 1986 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई उसके तौर तरीकों को हमारे स्कूली सिस्टम ने, हमारे विद्यालय व्यवस्था ने अपना लिया। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की किन अनुशंसाओं से बल मिला था। यह बात मैं दोहरा चुका हूँ या दोहरा रहा हूँ इस बार कि 2005 की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था वो बहुत हद तक 1986 की अनुशंसाओं से भी प्रभावित था। तो ये अनुशंसाएं क्या थी जिनसे कि 2005 को बहुत बल मिला और उस दस्तावेज को तैयार करने में, उस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने में मदद मिली। 1986 में जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो इसमें 10+2+3 शिक्षा संरचना की अनिवार्यता कर दी गई थी।
इसी बीच राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या के गुण दोष भी उजागर हो चुके थे। और ऐसे समय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने समय की मांग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणाओं और अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर सन 1988 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार की थी, जिसे NCESE भी कहा जाता है। इस पाठ्यचर्या की अनुपालना के लिए राज्यों की सरकारों को अपने तरीके से कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसी कारण से कार्य योजना 1992, जिसे अंग्रेजी में प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा जाता है, की महत्ता समझी गई। यह भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में याद किया जाता है। अगले बिंदु में हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में कार्य योजना 1992 अर्थात प्लान ऑफ एक्शन 1992 का क्या महत्व है। तो इसको समझने से पहले यह बात समझें हम कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक घोषणा की गई थी। वह घोषणा कुछ इस प्रकार से थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जो करिकुलम लागू किया गया, उस करिकुलम को हमेशा बने नहीं रहना दिया जाएगा, उसे परिवर्तित किया जाएगा। और उसको परिवर्तित करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया था वह 5 वर्ष का था। 5 वर्षों में जो भी उस पाठ्यक्रम से के संदर्भ में प्रगति या जो भी नई जानकारियां, नया ज्ञान सृजित हुआ है, उसे जोड़े जाने के लिए यह व्यवस्था की गई थी, जिससे कि पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को बेहतर और सुधारा जा सके। इधर 1992 में केंद्र की सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रस्ताव एवं उसकी अनुपालना की घोषणा कर दी गई। इस कारण इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 अर्थात प्लान ऑफ एक्शन 1992 भी कहा जाता है। अब विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई, क्योंकि पूर्व में लागू की गई शिक्षा नीतियों के साथ साथ कार्य योजना 1992 की अनुशंसाओं को भी ध्यान में रखना था। कहने का तात्पर्य यह था कि अब दो दस्तावेज हमारे यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे, एक तो 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसके साथ 1992 का प्लान ऑफ एक्शन, और उन दोनों के अनुशंसाओं को मिला करके, उन दोनों के अनुशंसाओं में समन्वय बना करके राष्ट्रीय शिक्षा की एक एकीकृत नियम बनाने के लिए, एकीकृत कार्य योजना बनाने पर काम किया जाने लगा। इसी के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 NCFSE का निर्माण किया गया। ये 1992 के प्लान ऑफ एक्शन और 1986 के रिकमेंडेशंस की लाइट में, इनके अनुशंसाओं के प्रकाश में इसका निर्धारण और निर्माण किया गया था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के इवोल्यूशन के संदर्भ में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और उसको किस तरीके से देखा और समझा जाना चाहिए। वर्ष 2004 में विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि कोई भी करिकुलम, कोई भी पाठ्यक्रम, वह धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह था कि कोई भी पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या जो है वो एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक थॉट्स पर आधारित होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार करने का निर्देश भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान किया। यह एक हमारे शिक्षाविदों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में सामने आया, और इस जिम्मेदारी को समझते हुए हमारे यहाँ के शिक्षाविदों ने और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे कि अंग्रेज़ी में हम लोग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शर्तों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या में संशोधन को अपेक्षित समझा गया।
तो इस उद्भव को समझने के लिए हमें जो दो तीन बातें समझनी ज़रूरी हैं वो यह है कि एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1986 की मूल भावना को इंटैक्ट रखा गया, मूल भावना को सुरक्षित रखा गया। दूसरा, प्लान ऑफ एक्शन और 2000 में जो करिकुलम फ्रेमवर्क आया उन दोनों के लाइट में, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि सेक्युलर और डेमोक्रेटिक थॉट से ओतप्रोत करिकुलम बनाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी, इसीलिए सन 2005 में यह करिकुलम फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया। प्रोफेसर यशपाल, जो कि इस करिकुलम फ्रेमवर्क के अध्यक्ष भी थे, उनकी अध्यक्षता में ही पाठ्यचर्या की व्यापकता के लिए कुल 21 केंद्रित समूहों ने, फोकस ग्रुप्स ने इसको मूर्त रूप प्रदान किया। विभिन्न पाठ्यचर्या के विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न भिन्न विषयों के जो विद्वान थे उनको एकत्रित करके कुल मिला जुला कर 21 केंद्रित समूह बनाए गए, जिन्हें कि अंग्रेजी में फोकस ग्रुप कहा जाता है। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने बहुत परिश्रम से और प्रयास करके विद्यालय शिक्षा के सतत विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का निर्माण किया। उद्भव के उपरांत यह हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध हुआ, जिसके कि गहरे शैक्षिक निहितार्थ थे। ये करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया, इसकी पूरी दुनिया में बहुत प्रशंसा की गई, और पूरी दुनिया में जो प्रशंसा किए जाने के कारण थे वो ये थे कि इसके डीप एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस थे, इसके सहज शैक्षिक निहितार्थ जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और उन्हीं शैक्षिक निहितार्थों की वजह से यह करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो भारतवर्ष में एक मील का पत्थर शिक्षा व्यवस्था के लिए साबित हो रहा है। और आज भी हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था या जो पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत हैं वो 2005 के करिकुलम फ्रेमवर्क से ही प्रभावित है, और 2005 के करिकुलम फ्रेमवर्क को आधार बना के ही देश के समस्त राज्यों में और पूरे भारतवर्ष का करिकुलम निर्माण किया जा रहा है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे, चूँकि इसकी प्रशंसा इस आधार पर हुई थी कि इसके बहुत गहरे शैक्षिक निहितार्थ थे, तो अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के जो प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ थे, जो इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस थे, वो क्या क्या थे। तो एक एक करके हम उन एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस को डिसेक्ट करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि ये किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। सबसे पहला जो इसका शैक्षिक निहितार्थ है वह है शैक्षिक शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि का आदि का आवश्यकता अनुसार और अधिकतम प्रयोग किया जाए। इससे पहले भी विद्यालय शिक्षा में ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त या आगमन और निगमन विधि के प्रयोग की अनुशंसाएं थीं, लेकिन यह दस्तावेज इन मामलों में महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी था कि इसने अध्यापकों को इस हेतु प्रेरित किया कि आप विद्यार्थियों को यदि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो बात वो जानता है, जो बात वो समझता है, वह पहले बताएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और उसके बाद उसको धीरे 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 करके उन चीज़ों की तरफ, उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ, उन संप्रत्ययों की तरफ ले जाइए जो कि वो नहीं जानता और समझता है। ठीक उसी तरीके से मूर्त से अमूर्त के तरफ बढ़ने की बात भी इस दस्तावेज में कही गई है। मूर्त से तात्पर्य है जो कि बच्चे इजीली ऑब्जर्व करते हैं, जो विद्यार्थी सीधे सामने देखते हैं, और मूर्त चीज़ों को समझना ज़्यादा सहज, सरल, आसान और सुगम है। अमूर्त चीज़ों को समझना ज़्यादा कठिन, मुश्किल और आसान नहीं है। तो मूर्त चीज़ों को बताने से बच्चे कॉन्क्रीटली उस चीज़ को समझ पाते हैं, और फिर उनको अमूर्त चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिलती है। इसी प्रकार से यह अनुशंसा भी इस दस्तावेज में की गई कि आगमन विधि जो है, आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का भी आवश्यकतानुसार अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। सीधे बच्चों को कोई बात बताने से बेहतर है
कि उनको आगमन और निगमन विधि से चीज़ों को समझाया जाए, बताया जाए, जिससे कि उनका जो संप्रत्यय निर्माण हो वो पर्याप्त मजबूत और टिकाऊ हो। दूसरी बात जो कही गई इस दस्तावेज में, जिसके कि शैक्षिक निहितार्थ बहुत महत्वपूर्ण है, वह है मूल्यों को उपदेश देकर थोपने के बजाय मूल्यों से परिपूर्ण वातावरण देकर ग्रहण करवाने के लिए उपाय किए जाएँ। कहने का तात्पर्य यह है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से पहले यह व्यवस्था थी हमारे यहाँ कि हम लोग मॉरल एजुकेशन के नाम पे, नैतिक शिक्षा के नाम पे एक अलग से सिलेबस थोप देते थे, एक अलग से पेपर पढ़ा देते थे। लेकिन इस दस्तावेज ने कहा कि हमें करिकुलम का निर्माण कुछ इस प्रकार से करना ही चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं वो उसको उपदेशात्मक तरीके से ना लें और पूरा का पूरा विद्यालय का वातावरण, उनके आसपास का वातावरण, उनका सामाजिक वातावरण इस प्रकार से निर्मित किया जाए कि मूल्यों को उपदेशित करने की आवश्यकता ही न रह जाए। मूल्यों को उपदेश देके सिखाने से जो नुकसान होता है वह यह होता है कि वो बच्चे जो जब सुनते हैं उपदेश को तो कुछ समय तो वो ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद वो उपदेश उबाऊ हो जाते हैं और बच्चे जो हैं उनको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जबकि यदि हम मूल्यों से परिपूर्ण वातावरण निर्माण करके देते हैं तो उस वातावरण में कोई द्वैत नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं रहता। और उपदेश देने में होता है यह कि उपदेश दिया जाता है जो वो तो दिया ही जाता है, जबकि आसपास जो कार्य व्यवहार किया जाता है वह उससे बिल्कुल इतर, बिल्कुल भिन्न और बिल्कुल अलग होता है। तो यह अनुशंसा काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि मॉरल एजुकेशन को हमें इनरिच करना है और मॉरल एजुकेशन को इनरिच करने के लिए हमें उपदेश नहीं देना है, हमें एक वातावरण निर्माण करना है, एक ऐसा वातावरण निर्माण करना है जिसमें सब अपनी जिम्मेदारियों को, सब अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। अगली बात जो इस दस्तावेज की थी, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वह यह है कि बालकों को उचित तर्क एवं निर्णय निर्माण के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए खुलकर बोलने पर पाबंदी लगाने के बजाय वाचन की स्वतंत्रता प्रदान किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बालकों को तर्क करने, वितर्क करने और खुद से डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब विद्यार्थी कक्षा कक्ष परिस्थितियों से बाहर निकल के आता है तो उसे खुद ही लॉजिक एस्टैब्लिश करना होता है, उचित तर्क देना पड़ता है और निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए उसे कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में या विद्यालय की चार दीवारी में खुलकर बोलने पर पाबंदी लगाने के बजाय बोलने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। ऐसा सामान्यतया हमारे विद्यालयों में नहीं होता है। हमारे विद्यालयों में कुल मिला जुलाकर इस तरीके का काम होता है कि शिक्षक जो है वही सर्वोच्च होता है, वह जिस तरीके से पढ़ाना चाहता है उसी तरीके से वो पढ़ाता है। यदि वो कक्षा कक्ष में बच्चों को पूछने के लिए भी कहता है तो वो इस तरीके से तो कहता है कि तुम लोगों को यदि कोई बात नहीं समझ में आती तो तुम पूछ लो, लेकिन कोई बच्चा एक से दो, दो से तीन, तीन से चौथी बार यदि पूछता है तो अध्यापक इरिटेट हो जाता है, अध्यापक परेशान हो जाता है और कहता है कि सारी कक्षा को तो बात समझ में आ रही है, केवल तुम ही ऐसे मूर्ख हो जिसको कि बात नहीं समझ में आ रही है। तो अध्यापकों को यह बात समझनी होगी कि जब तक आप सवाल नहीं करने देंगे, जब तक आप प्रश्न नहीं पूछने देंगे, तब तक उस बच्चे के संदेह का निवारण नहीं होगा। तो यह जिम्मेदारी कक्षा कक्ष में शिक्षक की है कि वह बच्चों को खुलकर बोलने और खुलकर प्रश्न पूछने की आज्ञा और स्वतंत्रता दोनों प्रदान करें। चाहे बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके की बातें कहेंगे, हो सकता है कि बच्चे कुछ एब्सर्ड बातें भी कहें जो कि आपके दिमाग से या आपकी सोच से बहुत तार्किक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनको यदि बोलने की स्वतंत्रता रहेगी, उनको यदि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता रहेगी, उनके सवाल करने पर यदि आप सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो जाकर एक अच्छे विद्यार्थी का, एक अच्छे नागरिक का, एक स्वतंत्र सोच के नागरिक का निर्माण कर पाने में आप सफल हो पाएंगे, जो कि NCF 2005 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगली बात जो महत्वपूर्ण है, चौथी बात, वह यह है कि बच्चों को कक्षा एवं विद्यालय से बाहर तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। इसके लिए आउटडोर खेलों
भोजन भ्रमण, ऐतिहासिक भ्रमण पर बच्चों को ले जाया जा सकता है। सामान्यतया होता क्या है कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक या जो भी विद्यालयों की टाइमिंग होती हो, 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक या 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो भी टाइमिंग होती हो, उसमें केवल विद्यार्थियों को एक कक्षा में बंद कर दिया जाता है और शिक्षक जो है वो आता है और पढ़ाता रहता है। जबकि बहुत से विषय ऐसे हैं जिनको कि आप और हम बाहर निकल के, कक्षा कक्ष की परिस्थितियों से बाहर निकल के उनसे हम लोग उसे पढ़ा सकते हैं, और उन चीज़ों को पढ़ाने के लिए हमें आउटडोर गेम्स का सहारा ले सकते हैं यदि हम चाहें तो, या हम लोग पिकनिक आयोजित कर सकते हैं, या ऐतिहासिक भ्रमण, बहुत से हिस्टोरिकल टूर जो है बच्चों के दिमाग पर बहुत दिनों तक प्रभावकारी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे जो चीज़ देखते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव होता है तुलना में कि वो जो बात सुनते हैं। जब बच्चे देखते हैं किसी चीज़ को अपनी आँखों से होते हुए, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रिंट उनके दिमाग पर होता है, उनके मस्तिष्क पर होता है, और जीवन पर्यंत उनको वो चीज़ें कंठस्थ रहती हैं, याद रहती हैं, और उससे वो प्रेरित और उत्साहित भी होते रहते हैं। इसलिए कक्षा और विद्यालय को से बाहर भी विद्यार्थियों को निकालने की बात कही गई है इस दस्तावेज में। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वह है सह शैक्षिक गतिविधियों, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ने की व्यवस्था विद्यालयों एवं शिक्षकों के द्वारा की जाए। सामान्यतया होता क्या है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, सह शैक्षिक गतिविधियों में केवल विद्यार्थी और अध्यापक ही हिस्सा लेते हैं, जबकि बच्चों के अभिभावकों को पता नहीं चलता कि बच्चा हमारा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका व्यवहार क्या सही दिशा में है या गलत दिशा में है, क्या उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है। और बच्चों का व्यवहार असली तभी पता चलता है जब वो सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, क्योंकि सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने से उनके अंदर की, उनकी अंतरात्मा की, उनके अंतर्निहित जो बातें हैं वो निकल के सामने आती हैं। तो इसलिए यह दस्तावेज इस बात की वकालत करता है कि शिक्षकों द्वारा बच्चों को और साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को भी शैक्षिक गतिविधियों में जोड़े। अगली बात जो है वो छठी बात है, वह है कि बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में बहुभाषा का प्रयोग करें, अर्थात बहुभाषी कक्षाओं के निर्माण पर जोर दिया जाए। यह बात कही गई है, कई बार बच्चे जो हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं उनके साथ सामान्यतया देखा जाता है कि वो अपनी मातृभाषा के साथ आते हैं। कोई भी बच्चा जब विद्यालय आता है तो वह कुछ शब्दों के साथ आता है, वह अपने परिवेश के शब्दों के साथ आता है, और जब वह विद्यालय में आता है तो वह देखता है कि उसके घर में जो भाषा बोली जाती है वो तो बिल्कुल अलग है जो कि विद्यालय में बोली जा रही है। ऐसी परिस्थिति में वो बच्चा जो है धीरे 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 कुंठित होने लगता है और अपनी बातों को अध्यापक के सामने रखने में डरने लगता है। तो यह अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी अधिकम परिस्थितियों का निर्माण करें जो कि बच्चों को बहुभाषी बनाए, घर की भाषा और स्कूल की भाषा के गैप को कम करें, और दोनों को, दोनों के जो सह अस्तित्व को बनाए रखते हुए वो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम स्टैब्लिश करने पर जोर दे, जिससे कि बच्चे जो हैं अपनी बातों को रखने में, अपने प्रश्नों को रखने में, अपने जिज्ञासाओं को रखने में, अपने विचारों को रखने में डरे नहीं। सातवां बिंदु जो है वह है पाठ्य पुस्तकें जो अंतःक्रिया के अवसर प्रदान करती हैं हमेशा श्रेष्ठ होती हैं। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में भी सावधानी बरती जाए एवं व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाए। 2005 से पहले जो पाठ्य पुस्तकें थी वो सामान्यतया इंटरैक्टिव नहीं थी। 2005 के बाद ऐसी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किए जाने पर बल दिया गया जो कि इंटरैक्टिव हो, और इस हेतु पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में बहुत सावधानी बरते जाने की बात कही, और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में लैंगिक भेदभाव या सामाजिक भेदभाव जैसी चीज़ों को डिस्करेज करते हुए, ऐसी चीज़ों को नीचा दिखाते हुए ही तथ्यों को रखे जाने पर जोर दिए जाने की बात की। बहुत पहले जो पुरानी पुस्तकें थी उनमें हम सामान्यतया देखते थे कि पुस्तकों में ऐसा लिखा रहता था कि राम स्कूल जाता है
और सीता खाना पकाती है, तो यह एक तरीके से लैंगिक भेदभाव का प्रतीक था। तो ऐसे लैंगिक भेदभावों को कम करने पर जोर देने की बात भी NCF 2005 में कही गई है। अगली बात जो कही गई है महत्वपूर्ण, वो ये है कि शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। इससे पहले जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी उसमें साल के अंत में परीक्षा लेने की व्यवस्था थी, लेकिन अब कहा गया कि कक्षा कक्ष परिस्थितियों में भी शिक्षक जो है छोटे छोटे टेस्ट आयोजित करके, छोटे छोटे परीक्षणों का निर्माण करके लगातार विद्यार्थियों को मूल्यांकन करें, विद्यार्थियों के कौशल का मूल्यांकन करें, जिससे कि शिक्षक को ये पता चले कि विद्यार्थी को कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा थॉट नहीं समझ में आ रहा है, और जिससे कि रेमेडियल क्लासेस आयोजित जब की जाएँ तो उन समस्याओं का निराकरण और समाधान किया जा सके। अब हम यह बात समझेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के शैक्षिक निहितार्थ तो हम लोगों ने देखा, लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा के लक्ष्य जो हैं हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं और ये हमेशा से विवाद और संवाद की स्थिति पैदा करते हैं। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी बच्चे के स्कूली जीवन को उसके घर आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है। जो बच्चा विद्यालय आता है उसके लिए विद्यालय में एक अलग दुनिया नहीं बनानी है, बल्कि उसका स्कूली जीवन कुछ इस तरीके से बनाना है कि वह आस पास की चीज़ों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो सके, ज़्यादा समझदारी से उनको सीखने समझने और डिस्कोर्स में लाने पर बल देना होगा। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए और उसे सुना जाना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि शिक्षक उसकी बात को तवज्जो दे रहा है। बच्चे कई बार अपने माता पिता के साथ विभिन्न जगहों पर घूम फिर के आते हैं, तो यदि अध्यापक कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में बच्चे को यह अवसर दे कि बच्चा अपनी भाषा में अपने अनुभव को शेयर करे, तो निश्चित रूप से उसके मानसिक और उसके सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए शिक्षक को यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के बाह्य अनुभवों को ठीक तरीके से वो सुने और उसके बाद उस पर वो इनपुट दे। दूसरा जो प्रमुख लक्ष्य है शिक्षा का, वह लक्ष्य है आत्मज्ञान, जिसे कि हम लोग सेल्फ नॉलेज कहते हैं। यानी कि शिक्षा का प्रयास जो होना चाहिए वह केवल मनी मेकिंग तक सीमित नहीं होना चाहिए, वह शिक्षा को खुद को खोजने पर बल देना होगा, विद्या को खुद को खोजने पर बल देना होगा और खुद की सच्चाई को जानने की एक निरंतर प्रक्रिया बनानी होगी। इसके लिए बच्चों को विभिन्न तरीके के अनुभवों का अवसर देकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात NCF में कही गई है। कुल मिला जुलाकर बात जो है वो ये है कि शिक्षा का जो तीसरा लक्ष्य है उसमें साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि मूल्य शिक्षा अलग से ना होकर पूरी शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल शामिल होना चाहिए, और ठीक उसी प्रकार से शामिल होना चाहिए जैसे कि दूध में यदि थोड़ा सा पानी हम मिला दें तो पता नहीं चलता कि पानी कौन सा है और दूध कौन सा है। कुछ इस तरीके से मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का और हमारे क्लासरूम डिस्कोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए, तभी जाके हम अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम कर पाएंगे, एक उदाहरण पेश कर पाएंगे। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष जो है वह एक सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, जहाँ भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को सम्मान करते हुए रहती हैं, और इस संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए। NCF 2005 का दस्तावेज इस मामले में बहुत विशद विमर्श करता है और क्रांतिकारी बात कहते हुए यह बात कहता है कि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करने की बात होनी चाहिए। यह बात होनी चाहिए कि अपनी संस्कृति का की अनुपालना करते हुए हम दूसरी की संस्कृति का अपमान न करें, दूसरे की संस्कृति को नीचा न दिखाएं।
तो सांस्कृतिक विविधता जो है वो एक महत्वपूर्ण आयाम है इस दस्तावेज का। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने देखा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है और यह किस प्रकार से 1968, 1986 और उसके बाद 1992 के प्लान ऑफ एक्शन से होते हुए 2000 के प्लान ऑफ एक्शन को अपने आप में समाहित करते हुए आगे एक भारतीय शिक्षा को नई दिशा और दशा प्रदान करने के लिए उद्यत दस्तावेज के रूप में हमारे सामने आया। यह बात हमें समझ में आई इस पूरे के पूरे डिस्कोर्स में, इस पूरे के पूरे विश्लेषण में, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के गहरे शैक्षिक निहितार्थ हैं और ये शैक्षिक निहितार्थ यदि अध्यापक अपने कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में इस्तेमाल करे तो वह बच्चों को विषय की जानकारी देने के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ भी अपने कदम उठा रहा होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है वह शिक्षा के स्पष्ट लक्ष्य देती है जो कि शायद इससे पहले के दस्तावेजों में नहीं था। इस प्रकार से NCF 2005 हमारे लिए और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर और एक क्रांतिकारी दस्तावेज साबित हुआ है। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।